नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। कांग्रेसी नेताओं की शाह पर अकाली वर्करों पर किए जा रहे हैं झूठे मामले दर्ज। यह आरोप लगाए हैं गुरदासपुर से शिरोमणी अकाली दल के जिला प्रधान गुरबचन सिंह बब्बेहाली ने। गुरदासपुर के गांव भट्टोया के एक अकाली वर्कर पर खेतों को जाने वाले रास्ते को अपनी जमीन में मिलाने व उसे खुर्द बुर्द करने के आरोप में उस पर मामला दर्ज कर दिया गया है, जिसके बाद शिरोमणी अकाली दल के जिला प्रधान गुरबचन सिंह बब्बेहाली ने प्रेस वार्ता पर बताया कि अकाली वर्करों को दबाने के लिए सियासी दबाव के चलते यह मामला दर्ज किया गया है। वहीं जानकारी देते हुए अकाली दल के वर्कर ठेकेदार दलबीर सिंह बिल्ला ने बताया कि हाल ही में जिस जमीन के खसरे नंबर के चलते उन पर झूठा पर्चा दर्ज करवाया गया है, उनकी जमीन से बहुत ज्यादा दूर है। वहीं जिस रास्ते को खुर्द बुर्द करने का इल्जाम उन पर लगा है, वह रास्ता अभी भी एकदम दुरुस्त है और वहीं पर मौजूद है, और कहा कि उस अकाली दल का वर्कर है, इसलिए सियासी दबाव के चलते उस पर यह मामला दर्ज किया गया है। इसलिए उसने जिला प्रशासन से मांग की है कि इसकी जांच की जाए और उसे इंसाफ दिलाया जाए। ये जी जेड़ा कंप्लेन करके मेरे ते 488 खसरा नंबर दा परचा कीता, वो जिथे असी के इस टाइम खड़े हाँ, ये रस्ते दे नाल मेरी जमीन लगती है 7 एकड़। इत्थे है 11 फुट रस्ता सरकारी है, इस टाइम 13-14 फुट रस्ता है। ये सरासर जेड़ा ना मेरे ते झूठा परचा कीता वा सियासी रंजिश करके, क्योंकि आ रहा तुसी वेख लो, ये 11 फुट की बजाय 13 फुट है, ये मेरी जमीन ना जो लगता वा। क्योंकि 488 खसरा नंबर का जेड़ा मेरे ते परचा पाया FIR की है, वो इतों 250 किला दूर है, 25-10 मरबे दूर है। सिर्फ मेरे तो रंजिश ये है कि मैं अकाली दल का सिपाही हाँ, तो मैं ब्लाक समिति 7 नंबर जोन तो इलैक्शन लड़ी सी, जेड़ा अहम मौके मौके से चेयरमैन ब्लाक समिति का, उदे खिलाफ़ मैं इलैक्शन लड़ी ही। तो हूँ भी मैं इस पिंड जिहड़ी पंचायत है वह अकाली दल की, मैं उसका मैंबर पंचायत हाँ, अकाली दल की पंचायत है, सानू दबाना चाहते हैं। तुसी पिंड का हालात वेख लो, इन्ने माड़े आ, सानू 2 साल विच कोई ग्रांट नहीं दिती। 1 साल तो साडा रिकॉर्ड जमा पंचायत का जिहड़ा कि कानूनन 1 महीने तो वध नहीं रख सकते, साडा 1 साल तो रिकॉर्ड भी जमा पंचायत का भी ये पिंड विच कोई डिवेलपमेंट ना कर सकन। सानू इन्ना हरास किया जा रहा, क्योंकि मैं सनी देओल की इलैक्शन के इतने उन्होंने फादर साहब की रैली कराई बहुत तगड़ी, जिदे 10,000 तो वध बंदा इकट्ठा होया। उस तो बाद मैं साडे जिला प्रधान सरदार गुरबचन सिंह जी बब्बेहाली साहब उन्होंने नाल अपने रणीके साहब दियां 2 मीटिंगां कराइया, जिहड़ियां कि 2-2 हज़ार तो उपर सीगियां, बखलाहट करके कि ये अकाली दल का इलाके च इन्ना कट्ठ क्यों हो गया, ये लोग जिहड़े अकाली दल नाल जुड़ते जा रहे हैं कांग्रेस दियां गलत नीतियां करके, उन्हां दबाण वास्ते सानू भई ये बंदा दुनिया नूं इकट्ठा ना कर सके, दुनिया नूं अकाली दल नाल जोड़ ना सके, जिहदे करके मेरे ते परचे हो रहे आ। अगे प्रधान साहब ने दस्सिया जिवें कि जेकर परचा कैंसल नहीं होगा, क्योंकि मैं इनकुआरी पाई है SSP साहब नूं, IG साहब नूं, और मैं विजिलेंस नूं भी इनकुआरी पाई है, और जेकर ये परचा मेरा कैंसल ना होया, उस तो बाद प्रधान साहब ने जिवें दस्सिया कि असीं धरने देवांगे और उहदा मंत्री साहब का और BDO साहब का घराओ करांगे। वहीं प्रेस वार्ता करने पहुंचे शिरोमणी अकाली दल के जिला प्रधान गुरबचन सिंह बब्बेहाली ने कहा कि हमारे वर्कर दलबीर सिंह बिल्ला को दबाने के लिए इस पर पहले भी सियासी दबाव के चलते झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और अब भी खेतों को जाने वाले रास्ते को अपनी जमीन में मिलाने व उसे खुर्द बुर्द करने के आरोप में उस पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने ये बताया कि इस रास्ते को लेकर उन्हें उन पर मामला दर्ज किया गया है, वह रास्ता उनकी जमीन से 250 एकड़ दूर है, और जिस रास्ते की बात कर रहे हैं वह रास्ता भी वहां पर मौजूद है, लेकिन सियासी दबाव के चलते उस पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि इसकी जांच कर झूठा मामला रद्द किया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ तो वह वीडियो दफ्तर व मंत्री के घर का घेराव करने के लिए मजबूर होंगे। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस गल करके आए हैं कि दलवीर सिंह जो सा जिले का श्रोमणी अकाली दल वाइस प्रधान है, वह तो न्याय परचा सारे भरावान से किया गया, वह भरा हैड कंस्टेबल सस्पेंड कराता गया, उसके दूजे भरा थे इतना के परचे पहला भी 3-4 परचे हुए ने, शराब के हुए ने, बीड़ी चोरी के हुए ने, पर यह मौका तो उन्होंने दस्या भी जरा कह रहे हैं कि राह खुर्द बुर्द करता, ये राह वेखो मौके के उत्ते मौजूद आ, छोटा शिकायत करता आ, मैं तो राही ये सुना देना चाहना भी उसे हूँ परचा बनाया है, बयासी बननी है जो परचा कैंसल होना, हाई कोर्ट क्वेश्चन पावे, SSP साहब इनकुआरी भी करावे, DC साहब रिकॉर्ड भी दसा, यह सारी गलबात दसा, पर आने का मकसद ये एड्डा व्डा झूठ निरा लूनी गुनी जाना मंत्री अरुणा चौधरी चाहिए भी कोई इंसाफ की गल करे,
ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਬੀਨਨਗਰ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਤੇ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕੜਾ ਆ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਪਾਓ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਲੜਾਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਇੱਥੋਂ 200 ਕਿਲਾ ਦੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਰਮੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਦਫਾ 44 ਲਾ ਤੀਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਇਕੱਠੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਆਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜੇ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਉਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏ। इस संबंधी जानकारी देते हुए BDO दीनानगर तजिंदर पाल सिंह ने बताया कि ठेकेदार दलवीर सिंह बिल्ला समेत 3 लोगों पर पंचायत की जमीन को खुर्द-बुर्द कर अपनी जमीन में मिलाने का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि यह 2 साल पुराना मामला है, जिसकी जांच तहसील दोबारा की गई है। उनके द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक ही उन्होंने कार्यवाही की है, इसलिए इस सियासी दबाव जैसी कोई बात नहीं है, यह आरोप झूठे हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਬਜ਼ਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਟੋਆ ਦਾ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਸਤਾ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਜੀਆਂ ਵਰਜੀਆਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੜਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਇਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ BDO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਗਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਸੰਮਤੀ ਪਟਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੁਬਾਰੇ ਥਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਇਹ ਥਰੂ DDPO ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ DDPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰਚਾ, ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਢਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ।